ओगाइव बनाने के लिए हमें लेस देन और मोर देन टेबल बनाना है। यार ये जो ओगाइव होता है ना, ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज बेसिकली ओगाइव, ओगाइव या ओजाइव जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है पहले, और फिर इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे और देखेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। सपोज ये मुझे रेनफॉल गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है, मुझे इसका लेस देन और मोर देन टेबल बनाना है, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, क्या करना है, ओगाइव कर्व बनाना है, ठीक है। ऑल राइट, तो पहले तो ये लेस देन टेबल बनाते हैं, और इसके लिए मैं टेबल को कुछ ऐसे कर देता हूँ सीधा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी समझ आता है, हॉरिजॉन्टल समझ आता नहीं है। ओके, तो पहले तो लेस देन टेबल में सेम चीज़ लिखते हैं, रेनफॉल यहाँ पे, रेनफॉल यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब लेस देन में जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, जितनी भी टर्म है इसका लेस देन निकालेंगे, यानी लेस देन 0, less than 10, less than 20, less than 30 and so on, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। अब ये लेस देन टेबल कह रहा है कि 0 से 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी 22 डेज में, ठीक है। तो लेस देन 0 तो नेगेटिव हो गया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ दिनों में नेगेटिव रेनफॉल होगी, पानी थोड़ा चला जाएगा अंदर से। तो इसकी नंबर ऑफ डेज होंगे 0, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब लेस देन 10 की बात करते हैं, लेस देन 10 कितने दिन के लिए हुआ था, लेस देन 10 होगा ये वाला रीजन 0 से 10 में, है ना, लेस देन 10 तो यही हुआ, तो इसके नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 22, तो ये आ गया 22, 0 + 22, ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली 22 भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब लेस देन 20 का मतलब क्या होगा, लेस देन 20 का मतलब 0 से 10 और 10 से 20 के बीच में जितने भी दिन हैं, ये सारे दिन होंगे मेरे लेस देन 20 में, यानी ये आएगा 22 + 10, 32, ठीक है, समझ आ रहा है। कुछ नहीं कर रहा मैं बस सम निकाल रहा हूँ। लेस देन 30 के केस में क्या है, लेस देन 30 में 0 से 10 वाला भी होगा, 10 से 20 वाला, 20 से 30 वाला, तीनों केस होंगे, ठीक है। तो ये आएगा 22, 10 और 8, तो ये आएगा 30, 30 + 10, 40, ठीक है। तो 40 डेज होंगे जहाँ पे लेस देन 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। ओके, फिर लेस देन 40 की बात करते हैं, लेस देन 40 के लिए क्या होगा यार, लेस देन 40 के लिए सारे होंगे ये सारे, ठीक है। ये सारे का मतलब 22 + 10 + 8 + 15, तो ये आएगा 30, 40, 40 + 15, 55, ठीक है। लेस देन 50 क्या होगा, लेस देन 50 होगा ये सारे, तो ये सारा आएगा मेरा 55 + 5, 60, और लेस देन 60 मेरे सारे हो गए ना, सारी तो लेस देन 60 हैं क्योंकि 50, 60 लास्ट है, तो ये सारे आएंगे मेरे 66, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि 66 डेज, यानी यहाँ पे जो सिग्मा एफ आई है मेरा और इसका जो लास्ट टर्म है ये मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है मेरा लेस देन टेबल, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ आता है, इसका यूज़ आता है ग्राफ बनाने में, ओगाइव ग्राफ बनाने में, और ओगाइव ग्राफ में हम देखते हैं कैसे बनेंगे, और उससे पहले मोर देन टेबल देखते हैं। मोर देन टेबल में अगेन टेबल ऐसे, तो हमें मोर देन भी निकालना है, हर एक चीज़ का निकालूंगा मैं, 0 का, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का और 60 का, ठीक है। तो मोर देन में लिखूंगा मोर देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका रीज़न है, ठीक है। जब मैं 0 से 10 की बात कर रहा हूँ, अच्छा नहीं, सपोज 0 से 10 नहीं लेते, 10 से 20 लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 10 से बड़े नंबर, तो इस वाली जो ग्रुपिंग है इसका मतलब होता है कि 10 इंक्लूडेड है और 20 नॉट इंक्लूडेड है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। इस ग्रुपिंग का मतलब होता है 10 इंक्लूडेड है, 20 नॉट इंक्लूडेड है, यानी रेनफॉल में अगर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो इसमें मैं नंबर ऑफ डेज इसके अंदर होगा इसमें लिखूंगा, पर अगर 20 सेंटीमीटर है तो मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है, अगले वाली में लिखूंगा। तो ऐसा होता है जो एंड वाला होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, अच्छा, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैं बात करूँ मोर देन 10 की, ठीक है, मोर देन 10 क्या हो सकती है वैल्यूज, ये हो सकती हैं सारी, पर यहाँ पे वो वाला भी केस आ गया जहाँ पे 10 से इक्वल भी हैं, क्योंकि इस वाले ग्रुप में 10 के इक्वल भी आ गया मेरा रेनफॉल, तो यहाँ पे इसीलिए हम मोर देन और इक्वल टू करते हैं, ठीक है। आई वुड सजेस्ट जो अभी पिछले 30 सेकंड गए उसको पॉज करके दोबारा सुन के देखो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, मोर देन और इक्वल कहाँ से आता है, ठीक है।
तो डिस्कस हो गया कि 0, 10, 20, 30, 40, 60 ये सारे लिखेंगे हम मोर देन वाले टेबल में. ओके अच्छा, अब मोर देन और इक्वल टू 0 देखते हैं. अब 0 से बड़े या 0 से इक्वल ये तो सारे नंबर जो है ठीक है, यानी ये सम था मेरा 66 जो मेरा सिग्मा एफ आई था है ना 66, तो 0 से बड़े सारे होंगे तो यहाँ पे आएगा 66 ठीक है. अब इंटरेस्टिंग चीज़ आती है 10 से बड़े कितने होंगे, 10 से बड़े होंगे ये सारे नंबर्स ठीक है. तो इन सबको लिखने का तरीका क्या है, इन सबका सम कर दो तो ये मेरे ख्याल से आएगा 10 प्लस 18, 18 प्लस 15, यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया पर ये आएगा आई थिंक 44 हाँ 44 आएगा ये ठीक है. मैंने कैसे निकाला, इन सबका सम कर दिया ठीक है. एक और तरीका है कि टोटल था 66 उसमें से 22 माइनस कर दो ठीक है तो 44 आ गया, पर आप सम भी कर सकते हो आपके ऊपर ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मोर देन और इक्वल टू 20, तो 20 उससे बड़े तो ये सारे आ गए, ये तो मैं निकाल सकता हूँ 15 15 20 20 प्लस 14 ये आ गए 34 ठीक है. ऐसे ही मोर देन इक्वल टू 30 कितने होंगे ये सारे, तो ये आएगा 20 प्लस 6 यानी 26 ठीक है. ऐसे ही मोर देन इक्वल टू 40 कितने होंगे ये दने, ये आएगा 11. मोर देन और इक्वल टू 50 होगा ये सारे 6, और मोर देन इक्वल टू 66 से बड़ा कुछ है ही नहीं तो ये होगा 0 ठीक है. तो ये तरीका है मोर देन टेबल लेस देन टेबल बनाने का. अब ये यूज़ कहाँ आता है, ये आता है यूज ओगाइव कर्व में ठीक है. ओगाइव कर्व में मेरा लेस देन और नंबर ऑफ डेज का ये टेबल बन गया. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मेरे पॉइंट आ गया है यहाँ पे जो मुझे प्लॉट करना है 0, 0, तो जो लेस देन वाली टर्म होती है ये मेरी आती है एक्स एक्सिस में लेस देन या मोर देन वाली, और नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस में आती है तो ये आएगा वाई एक्सिस में, तो मेरे यहाँ पे पॉइंट आएगा 0, 0. ऐसे ही 10, 22, 20, 32 एंड सो ऑन ठीक है. सिमिलरली मोर देन के टेबल में ये आएगा 0, 0, 66 पॉइंट, 10, 44, 20, 34 एंड सो ऑन ठीक है. ऑल राइट तो अब बनाते हैं अपना ग्राफ. ग्राफ में हमने डिस्कस करा ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस. एक्स मेरा जा रहा है 0 से लेके 60 तक, वाई जा रहा है 0 से लेके 66 तक. तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ 0 से लेके 70 तक अज्यूमिंगली, और ये भी 0 से 70 तक, जहाँ पे y एक्सिस में है मेरी फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है, ध्यान रखना तो ये मार्किंग जरूरी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. और x एक्सिस में है मेरा लेस देन मोर देन, पर था क्या ये था रेनफॉल, तो लेस देन मोर देन रेनफॉल आएगा यहाँ पे. ओके अब क्या करना है, सिंपली पहले तो लेस देन की बात करते हैं, ये मोर देन को भूल जाते हैं ठीक है. ओके कैसे बोलते हैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ. ओके पहला है 0, 0, तो 0, 0 प्लॉट करते हैं. देख से 10, 22 10 x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 22 यहाँ कहीं आएगी. सिमिलरली ऐसे 20, 32 30, 40, 40, 55, 50, 60 और 60, 66 ठीक है. इन सबको ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा लेस देन ओगाइव. अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर सिर्फ लेस देन बनाना है हमें टेप क्या ग्राफ, और उसमें हमें अगर मीडियन निकालना है तो उसका तरीका होता है एन बाई टू. एन बाई टू क्या होगा मेरा, एन होता है सिग्मा एफ आई जो टोटल सम था 66, इसको डिवाइड करो 2 से तो ये आएगा 33. तो 33 में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 होगी. यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को उसको यहाँ पे नीचे ले जाऊँगा, तो जो मेरा यहाँ पे पॉइंट आएगा ये मेरा आएगा मीडियन ठीक है. समझ आ रहा है, अगर सिर्फ लेस देन गिवन है तो एन बाई टू 33 है मेरा. 33 से एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा वाई एक्सिस पे कुछ ऐसे, यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को उससे नीचे लाइन बनाऊंगा, जहाँ पे इंटच कर रही है ये मेरा होगा मीडियन ठीक है. तो ये आगे मेरी मीडियन, और मोस्टली एग्जैक्ट किसी का नहीं आता तो देख लेना ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं उनको, बस ग्राफ चाहिए आपसे. ओके अगला है मोर देन का ग्राफ, तो ये है 0, 0, 66 तो ये 10, 44 20, 34 30, 26 40, 11 और 50, 6 और 60, 0 ठीक है. तो मोर देन का कुछ ऐसे आएगा, तो मोर देन में नीचे जा रही होती है टर्म, लेस देन में बढ़ रही होती है ठीक है. हाँ ऑब्वियसली क्योंकि देखो बढ़ रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ठीक है, ये कम हो रही है तो यहाँ पे उल्टा जा रहा है. ओके अगर सपोज सिर्फ मोर देन की बात होती तो यहाँ पे भी हम सेम काम करते, 33 पे लाइन बनाता जहाँ पे मोर देन को इंटरसेक्ट कर रही है उसको नीचे ज्वाइन कर लेता ठीक है. और अगर दोनों को बनाने को कहा है मोर देन और लेस देन, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेरा पॉइंट होता है मीडियन, तो यहाँ पे मीडियन आएगा मेरा 21.25 पे, तो ये मेरा आ गया मीडियन ठीक है. ये होता है बेसिकली ओगाइव कर्व, लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पर बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है,
और बस अपना दिमाग लगाना, ठीक है, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करना। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम मीन मीडियन मोड का सब कुछ करेंगे, सब कुछ मतलब एक वीडियो बनाएंगे इसमें सब कुछ निकालेंगे, मीन मीडियन मोड तीनों, और उसके बाद बस चैप्टर खत्म। और ये हमारी प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 की, इसको एक एक वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बनी है तो चेक कर लेना। चलो सी गाइस।